तो दिल्ली के लिए 10 बड़े न्यूज चैनल ने अपना ओपिनियन पोल दिया है और दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार और 10 न्यूज चैनल के अनुसार कैसे पलट चुके हैं आंकड़े दिल्ली में अचानक से, और ताजा सर्वे में दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। जहां दोस्तों अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, इसको लेकर 10 बड़े न्यूज चैनल ने अपना यहाँ पर ओपिनियन पोल दे दिया है। वोटिंग के पहले दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसके फाइनल आंकड़े यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर क्या कुछ नए आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इससे पहले एबीपी न्यूज ने भी जो सर्वे दिया था उसके अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन 10 बड़े न्यूज चैनल ने क्या यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 54 से 60 सीटें यहाँ पर जा सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी 10 से 14 सीटों पर सिमट सकती है, तो कांग्रेस सिर्फ 0 से 2 सीटों पर आ सकती है। इंडिया न्यूज का जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर 52 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रही है और 11 से 18 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है और यहाँ पर 0 से 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। इसके अलावा पोल इंडिया न्यूज का ओपिनियन पोल 53 से 56 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो 12 से 15 सीटें बीजेपी के पक्ष में है, 204 सीटें यहां पर कांग्रेस को आ सकती हैं। एबीपी न्यूज जो लगातार कई दिनों से सर्वे दे रहा है उसके अनुसार 42 से 56 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में, 10 से 24 सीटें बीजेपी को, तो 0 से 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में। यानी अगर बात करें तो एबीपीसी वोटर का जो सर्वे है वो सबसे ज्यादा बीजेपी को 10 से 24 सीटें दिखा रहा है। इसके अलावा TV9 भारतवर्ष का जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार 48 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो 10 से 20 सीटें बीजेपी के पक्ष में, तो 0 से 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। अब पोल ऑफ पोल का जो अनुमान है उसके अनुसार 50 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो 11 से 18 बीजेपी के पक्ष में, 0 से 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। ओपिनियन पोल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दिया है, लेकिन ये तो ओपिनियन पोल है। 8 फरवरी को वोटिंग होनी है और 11 फरवरी को इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में केजरीवाल की वापसी होगी एक बार फिर से, या फिर बीजेपी जो लगातार दबाव बनाती जा रही है दिल्ली के लिए और बीजेपी की वापसी होगी, या फिर कांग्रेस की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।